आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। मेरठ में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए विभाग बड़े ही सचेत हैं। कोई भी किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहते। इसी कड़ी में विभाग ने सैनिटाइजर कैबिन बनाया, जिसको स्टाफ के आने वालों के लिए लगाया गया, जिसको किसी भी तरह कोई वायरस विभाग के अंदर ना आ जाए। फिरोज जी, ये जो आपने बॉक्स बनाया है, क्या है ये बॉक्स? सर, ये सैनिटाइजर बॉक्स है और स्टाफ के लिए बनाया गया है, ताकि बीमारी से हम लोग बचे रहें। और हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने इसमें संज्ञान लिया है। किस तरीके से वर्क करता है ये आपका बॉक्स? सर, इसमें पहले हमें हैंड वॉश है, हाथ से लेना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जाना है और जाते हुए घूमते हुए बाहर निकलना है, और ऊपर से भी करेगा ये। और सैनिटाइजेशन चैम्बर कह सकते हैं या डिसइंफेक्शन चैम्बर कह सकते हैं, और इसको हमने हमारे कार्यालय में इंजीनियर और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है। सर, किस तरीके से वर्क करेगा ये? इसके ये 20 सेकंड का टाइमर हमने इसमें लगाया है। ऑन और ऑफ के बीच में 20 सेकंड होंगे, और उसके उस समय में वो कोई भी इंडिविजुअल होगा, कर्मचारी वगैरह उसके अंदर होंगे और वो सैनिटाइज हो जाएंगे। सर, इसको बनाने के पीछे मकसद क्या है? इसका मकसद ऐसा है कि हमारे लगभग 500 कर्मचारी इसेंशियल ड्यूटी में आते हैं, जो सैनिटेशन का कार्य कर रहे हैं, हॉस्पिटल का कार्य कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग सेक्शन का भी कार्य कर रहे हैं, और वो हर रोज़ कार्यालय में आते हैं और बाहर काम करते हैं, और उसके बाद वो फैमिली अपने घर चले जाते हैं। सर, क्या हमारे को उत्तर प्रदेश में पहला ये उपकरण लगाया? शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये उत्तर प्रदेश में ये पहला ही होगा, और हम और एक दो चैम्बर इस तरीके के बना रहे हैं, एक हॉस्पिटल के लिए और एक पब्लिक के लिए। मेरठ यूपी से विकास कुमार की रिपोर्ट।